हाय एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीए टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे टैली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन। इट मींस हम अपने माल को, अपने स्टॉक को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वो आज मैं इस क्लास में आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। इस क्लास को देखने से पहले आप हमारी पिछली वीडियो जो गोडाउन रिलेटेड है, जिसमें हमने गोडाउन को एक्टिवेट करने से लेकर के हम गोडाउन क्रिएट कैसे करते हैं, सब गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं, तथा अपने हम स्टॉक को अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग गोदाम में कैसे स्टोर करते हैं, तथा अपने गोडाउन का हम कंप्लीट स्टेटस कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कंप्लीट रिपोर्ट हम कैसे देखते हैं, वो सारा कुछ मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। जो वीडियो देखने के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से जा करके आप उसे देख सकते हैं, या हमारी प्लेलिस्ट पर जा करके आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वीडियो देखने से पहले आप पिछली वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे गोडाउन से रिलेटेड फिर कोई भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में ना रह जाए, तथा वीडियो को आप लास्ट तक देखें। यदि आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो वीडियो आपको कोई भी टॉपिक का कम्प्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको प्रत्येक ऑप्शन, प्रत्येक टॉपिक क्लियर हो जाए। तथा यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अभी कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, तथा हमारी वीडियोस को फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैली क्लास का नॉलेज हो पाए, अकाउंटिंग का नॉलेज हो पाए, बिकॉज ये क्लास फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई भी चार्ज आपको प्रोवाइड नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और अपने स्टॉक को हम एक गोदाम से दूसरे गोदाम में कैसे ट्रांसफर करते हैं, डीपली उसको हम समझते हैं। हाय एवरीवन, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपके सामने प्रेजेंट है गेटवे ऑफ टैली का मेन विंडो। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आज का टॉपिक है स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन, अपने एक गोदाम से दूसरे गोदाम में स्टॉक को कैसे ट्रांसफर करते हैं। चलिए हम देखते हैं हम अपने स्टॉक को कैसे ट्रांसफर करते हैं। मैंने एक चीज़ आपसे और कहा कि यदि आपको कंप्लीट गोडाउन समझना है तो हमारी पिछली वीडियो आप जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो का रिलेशन पिछली वीडियो से है, बिकॉज उसमें हमने गोडाउन कौन कौन से गोडाउन क्रिएट किए थे, तथा हमने कहां कहां स्टोरेज दिया था, वो सारा कुछ उस वीडियो में है। तो उसको अगर आप देख लेते हैं तो आपको ये वीडियो ट्रांसफ़र, जो स्टॉक ट्रांसफ़र की वीडियो मैं बना रहा हूँ आज, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम कुछ रिपोर्ट आपको इस गोडाउन का दिखा देते हैं, जो हम पहले से कर चुके हैं, और आज का मेरा इसमें मेरे जो वीडियो है केवल स्टॉक को ट्रांसफ़र करने के लिए है, एक गोदाम से दूसरे गोदाम में। तो पहले हम स्टॉक चेक कर लेते हैं हमारे किस गोडाउन में कितना स्टॉक अवेलेबल है। हम यहाँ से प्राइमरी में ही चले जाएँ और डायरेक्टली हम चौक गोडाउन देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कंप्यूटर पार्ट्स के 160 पीसेस अवेलेबल हैं, जिसमें हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है और प्रिंटर है। सबकी क्वांटिटी, रेट और वैल्यू उसका लिखा हुआ हुआ है। चलते हम और नेक्स्ट करके देख लेते हैं। रिकाबगंज हमने बनाया था, रिकाबगंज में हम भी देख ले रहे हैं 150 पीसेस हैं कुल, जिसमें एसडीडी, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस एंड प्रिंटर है। बैक करके आ जाते हैं, हमने एक सब गोडाउन भी क्रिएट किया हुआ था जो मेन लोकेशन के अंतर्गत था, श्रृंगार हाट लोकेशन। हम चेक करते हैं इसमें अभी हमारे कोई भी स्टॉक नहीं अवेलेबल है। मान लीजिए हमें यहाँ से ही सेलिंग करना है, वो दोनों गोडाउन मेरे स्टोरेज गोडाउन है, तो अपने किसी भी गोडाउन से हम इसमें स्टॉक को ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम स्टॉक को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में। हम बैक आ जाते हैं, स्टॉक को ट्रांसफ़र करने के लिए हम चलते हैं इन्वेंट्री वाउचर में। इन्वेंट्री वाउचर को जैसे ही हम सेलेक्ट करके एंटर करते हैं, आपके सामने ट्रांसफर मटेरियल स्टॉक जनरल, जो कि प्योर इन्वेंट्री वाउचर है। देखिए प्योर इन्वेंट्री वाउचर कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम सेल्स में काम करते हैं, हम परचेज में काम करते हैं, या हम पेमेंट रिसिप्ट किसी में भी काम करते हैं, तो हम केवल मोड बदलते हैं, वहां पर वो आपका प्योर इन्वेंट्री वाउचर नहीं होता, वो अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत मोड उसके चेंज हो जाते हैं। जबकि मोड की वीडियो मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री की मेरी वीडियो में है, जिसे आप जाकर के बैक करके देख सकते हैं कि मोड्स क्या हैं, वाउचर मोड्स को हम कैसे चेंज करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर क्रिएशन लिखा हुआ है, हम इन्वेंट्री वाउचर में, प्योर इन्वेंट्री वाउचर में है। इसमें हम स्टॉक जर्नल पे आ गए हैं, जिसका शॉर्टकट होता है आपका Alt+F7 की को प्रेस करते ही स्टॉक जर्नल वाउचर में हम अवेलेबल हो जाएंगे, जो एक कंप्लीट
जो कि एक प्योर इन्वेंट्री वाउचर है। आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, हम यहां से ही अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल को ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीन पे टू पार्ट में डिवाइड है, एक तरफ लिखा हुआ है सोर्स और एक तरफ लिखा हुआ है डेस्टिनेशन, मतलब जहां से आपका उद्गम है और जहां आपका गंतव्य है। कहने का मतलब जिस गोडाउन से हमें माल ट्रांसफर करना है सोर्स में वो गोडाउन होगा, और जिस गोडाउन में हमें ले जाकर के उसको स्टोर करना है डेस्टिनेशन में वो गोडाउन होगा। तो चलिए हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं करके हम देखते हैं। हम यहां पर आइटम चुनते हैं, हमने एसडीडी ले लिया, एंटर किया, आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ लोकेशन आ गया, लोकेशन ऊपर आपको दिख रहा है, आप देख लें हेडिंग में नेम ऑफ आइटम जो मैं दे चुका हूं, लोकेशन है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। नेम ऑफ आइटम के बाद सबसे फर्स्ट हमें लोकेशन चुनना होगा, क्योंकि माल मेरा किस लोकेशन में है, किस गोडाउन में है वो हमें देना होगा। मान लीजिए हम चौक गोडाउन से ले रहे हैं, चौक गोडाउन हमने दिया, हम 10 पीस क्वांटिटी ले ले रहे हैं 3000 के रेट, चूंकि हम अपने गोडाउन से ही दूसरे अपने गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे हैं तो रेट वगैरह में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर हम सेल कर रहे होते तो हम रेट में परिवर्तन कर सकते थे। हम यहां दूसरा स्टॉक चुनेंगे अपना, कीबोर्ड हमने ले लिया, फिर हम वही चौक गोडाउन ही चुनेंगे और इसमें से हमने 50 पीस कर लिया 180 के रेट से है। हमने मॉनिटर ले लिया, यहां भी चौक गोडाउन ही हो जाएगा आपका, यहां से हमने 5 पीस मॉनिटर कर लिया। हमने माउस ले लिया, यहां भी चौक गोडाउन हो जाएगा आपका, हमने 50 पीस माउस भी कर लिया। हमने प्रिंटर ले लिया, चौक गोडाउन ही रहेगा, और हमने 3 पीस प्रिंटर कर लिया। आप देख रहे हैं ये मैं जो अपने हमें चौक गोडाउन से श्रृंगार हाट लोकेशन पे हमें ट्रांसफर करना है तो हम कुल 118 पीसेस 74,000 रुपए जिसकी कंप्लीट कॉस्ट है वो अपने श्रृंगार हाट लोकेशन पर ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज हमें श्रृंगार हाट लोकेशन से ही माल को सेल करना है। अब सेम डिटेल आप इधर भरते चले जाइए, सेम कहने का मतलब केवल आइटम सेम कर रखना है, आपको लोकेशन चेंज करना है, श्रृंगार हाट लोकेशन आपको ले लेना है और यहां पर जितनी क्वांटिटी इधर आपने दिया है उतनी ही क्वांटिटी आप देंगे। हम कीबोर्ड ले लेते हैं, सेम आइटम डिटेल वही आपको रखना होगा, इधर आपको बस एक ही परिवर्तन करना है अपने गोडाउन का, अपने लोकेशन का आपको केवल परिवर्तन करना है, क्योंकि आपको जहां अपने जिस लोकेशन में स्टॉक को स्टोर करना है वही लोकेशन आप इसको यहां पर प्रोवाइड करेंगे। माउस हम कर लेते हैं, श्रृंगार हाट लोकेशन, 50 पीस माउस भी है, सेम आइटम डिटेल आप सेम रखेंगे और केवल आपको यहां एक ही चीज परिवर्तित करना है वो है आपका गोडाउन, विकास हम एक गोदाम से दूसरे गोदाम में माल को ट्रांसफर कर रहे हैं। इस तरीके से हम अपने स्टॉक को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये ना हम माल खरीद रहे हैं और ना ही ये माल हम बेच रहे हैं, अपने एक गोदाम से दूसरे गोदाम में माल को ट्रांसफर कर रहे हैं। चूंकि हमारा एक गोडाउन हम मान लेते हैं चौक गोडाउन मेरा जो है वो स्टोरेज गोडाउन है, हम केवल वहां स्टोर करते हैं और अपने श्रृंगार हाट लोकेशन से हम माल की सेलिंग करते हैं, तो हमें अपने स्टोरेज गोडाउन से ऑफिस गोडाउन में ट्रांसफर करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो इस तरह से हम उसे ट्रांसफर करेंगे, हम नरेशन डालना चाहें तो डालें, तथा यहां से हम एंटर करते हुए एंट्री को एक्सेप्ट कर लें। एक चीज और, अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं, रिपोर्ट आप देना चाहते हैं, जब आप पहुंचेंगे वहां आप दिखाना चाहते हैं कि हमें ये माल वहां से ट्रांसफर कराए हैं, तो हम आप यहां से अल्ट के साथ प्रिंट पी कर लीजिए, अल्ट पी कर लेंगे स्लिप आपकी प्रिंट हो जाएगी, अल्ट जेड करके आप उसे जूम कर लेंगे तो आप देख पाएंगे कि सोर्स गोडाउन से हमने क्या क्या लिया है और डेस्टिनेशन में हम क्या क्या पहुंचा रहे हैं, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। इस तरह से आप यहां पर दे पाएंगे, बैक करके एस्केप की को प्रेस करते हुए हम बैक करके आ जाएंगे और एक बार हम स्टेटस फिर से चेक करेंगे यहां से जा करके डिस्प्ले पर, और हम चले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी लोकेशन। अभी आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको चेक कराया था श्रृंगार हाट लोकेशन में कुछ नहीं था, हम यहां एंटर करके चेक करते हैं श्रृंगार हाट लोकेशन में कंप्यूटर के पार्ट्स 118 पीसेस अवेलेबल हो गई, जिसमें 10 पीस हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है और
प्रिंटर है। हम चलते हैं चौक गोडाउन को चेक करते हैं, जहां पर पहले से मेरा स्टॉक ज्यादा स्टॉक था, जो अब केवल 142 पीसेस बचा हुआ है। इस सब में से वो डिडेक्ट कर गया, चूंकि हमने इसमें से माल ट्रांसफर, एसडीडी 15 पीस था तो केवल 5 पीस बचा, मॉनिटर आपका 10 पीस था तो 5 पीस बचा, आपका माउस 80 पीस था तो 30 पीस बचा, प्रिंटर आपका 5 पीस था तो 2 पीस बचा। वो डिटेल आप यहां से ले पाएंगे। इस तरह से कुछ चीजें उसमें से कुछ माल हट गए हैं, चूंकि जो जितना था उतना ही मैंने ट्रांसफर कर दिया है, तो उसमें अवेलेबल नहीं। जबकि अभी रकाबगंज आप चेक करेंगे तो रकाबगंज आपके गोडाउन में सारी चीजें अवेलेबल हैं, जितना स्टॉक पहले था उतना स्टॉक अब है। तो आपने देखा कंप्लीट स्टेटस भी आपने चेक किया, हम अपने स्टॉक को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में कैसे ट्रांसफर करते हैं उसको आपने कंप्लीटली जाना। तो इस तरह से आज का टॉपिक जो था गोडाउन से रिलेटेड, जो कंप्लीट टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम उससे रिलेटेड उसका सजेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।